चंगल जी, अज गल करांगे सिख पंथ के तीन खास दिहाड़ियां बारे। जी हाँ, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज, 15 अप्रैल 1469, 30 मार्च 1699 ते 6 अक्टूबर 1708। ये तीन जिहड़े दिन ने सिख पंथ दे विच इन्हां दा बहुत वड्डा स्थान है, रुतबा है। 15 अप्रैल 1469 नूं श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश हुंदा है। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, अकाल पुरख परमात्मा का स्वरूप धन गुरु नानक देव जी महाराज संसार दे विच होंदे ने, जिन्हां ने शब्द नूं संसार भर दे विच उस परमात्मा दे इलाही नाम नूं शब्द नूं प्रचारिया, जिन्हां ने कहा शब्द गुरु सुरत धुन चेला। धन गुरु नानक देव जी महाराज के जिहड़े सिद्धांत सन, उन्हां सिद्धांतां नूं शिखर ते बुलंदी ते पहुंचाया दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 30 मार्च 1699, जिहड़ा अप्रैल का महीना सी गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश का, यह भी अप्रैल का महीना है जिसनों असी विसाख कहने। यह बड़ा वड्डा दिहाड़ा, पवित्र दिहाड़ा विसाख का जिहड़ा महीना, वह सिख पंथ के विच मन्निया जांदा है। गुरु साहब ने सिख नूं सिंघ बना दिता। यह कोई वखरा कारज नहीं सी, यह धन गुरु नानक देव जी महाराज की चलाई हुई वो रीत, वह परंपरा, यह उसकी बुलंदी सी, यह उसका विकास सी। यह ट्रांसफॉर्मेशन जिहड़ी है, यह 239 साल का समा जिहड़ा है वह निश्चित होया सी, क्योंकि इक्का बाणी एक गुरु। सारे गुरु साहिबान धन गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक, फिर अगे शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जो दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, आत्मक स्वरूप ने, कोई भेद नहीं है किसी भी पासों। उही सिद्धांत जिहड़े ने गुरु नानक देव जी महाराज दे समय तो जो शुरू हुए, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ, एक मार्ग पैर धरी जै सिर दीजै कान ना कीजै। खालसा शब्द भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच पहला आ चुका है, कहो कबीर जन भये खालसे। ते गुरु साहिब जी ने यह जिहड़ा खालसा सजाया, ये जिहड़े ककार सन जिन्हां दे विच्चों केश कड़ा कंगा किरपान कशहरा, ये सब कुछ पहलां ही सिखां वल्लों धारण किया जा सकता। जिहड़ा नितनेम है जपजी साहिब सवेर वेले और शाम नूं रहिरा साहिब ते राती सौण वेले सोहिला साहिब, यह करतारपुर साहिब की धरती दे उत्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज के समय तों आरंभ हो गया सी। संगत जी, ये गल सानूं समझनी है कि ये जो साडे सामने जो कुछ भी सिख धर्म के इन्हां इतिहासिक तरीकों के वापरिया है, ये सब कुछ एक सिस्टम दे विच, एक पूरी जिसनों असीं कह सकते हैं कि परंपरा दे विच चल रहा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज के समय तो आरंभ होकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक इसकी बुलंदी है, और जिस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ज्योति जो समाउण लगते हैं 6 अक्टूबर 1708, उस वेले शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं गुरु पदवी प्रदान करके आप मत्था टेकदे आ और हुक्म करदे आ, आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये उही शब्द गुरु है जिस दे बारे धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे सन शब्द गुरु सुरत धुन चेला, और यही शब्द गुरु अज सिख कौम का सदीवी जुगो जुग अटल गुरु है। तख्त चवर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, जिन्हां दे लई कहा जांदा है कि ये दसां पातशाहियां की आत्मक जोत, आत्मक स्वरूप है। गुरु साहब सानू इस तरह ये जो निर्मल पंथ चलिया, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, ये सिख धर्म का निर्मल पंथ इस तरह विकास करता है। संगत जी, यह सानू समझना है कि असी एक सिख वजो जिस वेले जन्म लैंदे आ तां असी नाम दे नाल जुड़दियां होया, अभ्यास करदियां होया, नितनेमी हुंदियां होया, ककार धारण करदियां, खंडे बाटे दी पौल छक के असीं सिंघ सजणा है, फिर उस अकाल पुरख परमात्मा दे विच अभेद होना है। इह साडे जीवन दा उद्देश है, एक सिस्टम है, इस गल नूं असीं समझिए। गुरु साहिब ने सानूं इह जो सारे इस सिस्टम दे विच रह के जो कुछ भी उन्हां ने इहदे विच हंडाया और सानूं उपदेशात्मक बाणी दे रूप दे विच साडी झोली दे विच पाया, इस को असी अपने जीवन दे विच वसाईए कमाईए, तां जो साडा इह मनुखा जीवन जिहड़ा है वह सफल हो सके। मिलते हैं एक होर नवे वीडियो के नाल, देखते रहो सिख टैक चैनल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।